वेलकम दोस्तों, मैं आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं और जो आप लोगों को 2020 में ध्यान रखना है और 2019 में जितने भी अपडेट्स हुए हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड दे दूंगा। तो कई सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज दरें चेंज होती रहती हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आप लोगों के पीपीएफ अकाउंट में, और आप लोगों का क्वेश्चन था कि ब्याज कब मिलता है, आप लोगों का क्वेश्चन था फॉर्म एच को लेकर के, आप लोगों का क्वेश्चन था बच्चों के पीपीएफ को लेकर के, आप लोगों का क्वेश्चन था कि कितना इसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है, यानी कि अगर रिवाइवल प्रोसेस में चला गया है, निष्क्रिय हो गया है, तो वहां पे किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, पीपीएफ का अकाउंट है, या फिर आप लोग ओपन करने जा रहे हैं 2020 में, तो इन अपडेट्स को और इन नियम्स को ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है पब्लिक प्रोविडेंट फंड से लेकर के। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन फ्यूचर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इस तरह की वीडियोज देखने के लिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन आएगी उसको क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज अपडेट होंगी तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहली अपडेट दोस्तों, या फिर आप लोग इसको कह लीजिए हम लोग रूल को लेकर के चलते हैं, हम लोग अपडेट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, जो भी अभी तक नए रूल्स हैं और जो भी अपडेट्स हैं उनको हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग फॉर्म वन का यूज करके अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, यहां तक कि आप लोग अपने सभी बच्चों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोल सकते हैं। और यहां पे दूसरी चीज दोस्तों कि अगर आप लोगों ने किसी की गार्जियनशिप ले रखी है तो आप लोगों के पास कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो वो प्रूफ करता हो कि आप उनके गार्जियन हो। अगर आप नाना है, अगर आप नानी है, अगर आप चाचा है, चाची है, आप लोग कोई भी हैं, भैया भी हैं, तो आप अगर उस बच्चे की गार्जियनशिप लेते हैं तो आप लोग उसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप लोगों की जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी वो 1.5 लाख रुपए होगी। अब ये 1.5 लाख रुपए जो लिमिट होगी वो सभी का मिला करके होगा, पर्टिकुलर एक एक पर्सन के लिए आप लोग 1.5 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर अपने बिहाफ पे माइनर्स के लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो वहां पे आप लोगों का पैन कार्ड यूज होगा। तो एक पैन कार्ड पे केवल 1.5 लाख रुपए एक पीपीएफ में मतलब इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अब उसको आप लोग अपने वाइफ के नाम पे आधा कंट्रीब्यूट कीजिए या फिर अपने बच्चों में कंट्रीब्यूट कीजिए और अपना मिलाकर के कीजिए। आप लोगों को केवल मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की और मिनिमम लिमिट आप लोगों को 500 रुपए मिलने वाली है। अब नेक्स्ट अपडेट आती है दोस्तों आप लोगों के लिए, या फिर नेक्स्ट रूल जो आता है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोगों का अगर अकाउंट रिवाइवल प्रोसेस में चला जाता है तो आप लोगों को तब भी उसमें ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने अगर अकाउंट खुलवाया और हमने फिर एक साल उसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो फिर वो रिवाइवल प्रोसेस में चला जाता है। वो प्रोसेस आप लोगों का निष्क्रिय अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कराने के लिए होता है, तो वो होता है आप लोगों का एक्टिव कराने के लिए कि आप लोग उसमें कंट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे जो भी आप लोगों का उसमें पैसा रहेगा उस पे आप लोगों को ब्याज मिलता रहेगा जब तक आप लोगों का पीपीएफ मैच्योर ना हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने 4 साल तक पूरा कंट्रीब्यूशन किया और 5वें साल आप लोगों ने किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आप लोगों को रिवाइवल करना पड़ेगा अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड को, और आप लोगों का जो भी 4 साल तक कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर आप लोग आगे भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो जितना भी आप लोगों ने 4 साल तक पैसा डाला है उसमें आप लोगों को 15 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड तक आप लोगों को उस पर ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग रिवाइव कराने जा रहे हैं अपने पॉलिसी को तो आप लोगों को, या फिर कह लीजिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको, तो आप लोगों को यहाँ पे 50 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब 50 रुपए की पेनाल्टी जो होगी दोस्तों वो 500 रुपए जो आप लोगों का मिनिमम बैलेंस होगा वो साथ में आप लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग 1 साल का भी मिस करते हैं, 2 साल मिस करते हैं, 3 साल मिस करते हैं तो हर साल के लिए 50 रुपए पेनाल्टी और मिनिमम बैलेंस उस सालों का, ठीक है, 500 रुपए आप लोगों को उसमें डालने होंगे, तब जाकर के आप लोगों का पॉलिसी और आप लोगों की पेनाल्टी कंप्लीट हो पाएगी। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में हर तिमाही पे ब्याज चेंज होते रहते हैं, सालाना चेंज होते रहते हैं, तो क्या हमें वो उसमें किसी तरह का दिक्कत होती है, क्या हमें प्रेजेंट ब्याज दर पे मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था वो वाजिब है, क्योंकि आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो हर तिमाही पे इसके ब्याज दर को चेंज कर सकती है, अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्याज दर देती है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है दोस्तों
कि जो भी ब्याज दर प्रेजेंट में गवर्नमेंट बताती है वो कैलकुलेशन आप लोगों का हर तिमाही पे होता है, और फिर जो भी आप लोगों का पूरा पैसा बन रहा है इंटरेस्ट के रूप में वो आप लोगों का सालाना आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो गया क्लियर कि आप लोगों का अकाउंट में ब्याज कब क्रेडिट होता है और किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो तिमाही बेसिस पे आप लोगों के ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और आप लोगों के सालाना बेसिस पे उसमें क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से डिटेल में इसके लिए बता रखी है, मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड वो वीडियो है कि इसमें हम लोग किस तरह से ज्यादा और सही तरीके से इंटरेस्ट ऑन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और था दोस्तों आप लोगों का, जिसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में कब कंट्रीब्यूशन करें जिससे कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो देखिए दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन होता है और पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम में जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन होता है, जो भी आप लोग पैसा डालते हैं, अगर आप लोग उसे 5 तारीख से पहले डाल देते हैं तो आप लोगों का उसका आगे वाला इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग 5 तारीख के बाद डालते हैं तो उसको अगले महीने में कैलकुलेट किया जाता है, तो आप लोग 1 महीने का इंटरेस्ट मिस कर देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे तिमाही बेसिस पे, चाहे महीने की बेसिस पे, चाहे आप लोग छमाही बेसिस पे या फिर सालाना बेसिस पे, तो आप लोग उस महीने की 5 तारीख से पहले पहले पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आप लोगों को सही तरीके से और सही ब्याज आप लोगों को मिलेगा, और जो भी आप लोगों ने मैच्योरिटी कैलकुलेट किया है उस हद तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आप लोगों के लिए और जो नियम है आप लोगों को देखना है वो ये है कि आप लोग अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं और बाई चांस आप लोगों के घरों की कुर्की होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कुछ डिफॉल्ट्स कर देते हैं तो वहां पे कुर्की की में सब कुछ जब्त कर लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ये ऐसा अकाउंट है जिसमें आप लोगों का कुर्की वगैरह या फिर इस तरह की जो भी आप लोगों का अगर दिवालिया वगैरह हो गया तो आप लोगों के सारे जो जब्त किए जाते हैं प्रॉपर्टी, तो इसमें ये नहीं आता है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लोगों का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ सिक्योर और आप लोगों के बिल्कुल बुरे से बुरे हालात में भी ये आप लोगों के काम आ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे अपना हक नहीं जता सकती है अगर आप लोग किसी तरह का डिफॉल्ट या फिर अगर आप लोग किसी तरह से भी दिवालिया घोषित होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों के लिए 2 आखिरी क्वेश्चन बचे हैं उसमें से आप लोगों का जो क्वेश्चन है पहला वो ये है कि आप लोग जो विड्रॉ करना चाहते हैं प्रीमैच्योर वो किस तरह से काम करता है। देखिए प्रीमैच्योर विड्रॉ इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि अगर आप लोग 15 सालों के बीच में कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड है आप लोगों के पैसे का, ठीक है। 5 साल के पहले भी आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ इमरजेंसी कंडीशन में आप लोग एप्लीकेशन लिख करके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग 5 साल के पहले निकालते हैं ऐसे बिना जेन्युइन रीजन के तो आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को 5 साल के बाद जो निकालने का मौका मिलता है वो आप लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें केवल 50% अमाउंट आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोगों का 10 लाख रुपए पीपीएफ में पड़ा हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में तो आप लोग 50% अमाउंट केवल उसमें से निकाल सकते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग क्या अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को फॉर्म एच फिल करना होगा या फिर आप लोग 1 साल पहले इसे अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट का जो भी आप लोगों का जहाँ पे भी ओपन कर रखा है, चाहे आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंकों में, तो उनको 1 साल पहले बताना होगा। अगर आप लोगों ने 1 साल पहले नहीं भी बताया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रूल कहता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जा करके आप लोगों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म एच को फिल करके देना होगा जिससे कि आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन था आप लोगों का कि क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से ब्याज मिलता रहता है अगर हम उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करते, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को शुरुआत में ये क्वेश्चन कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है मैच्योरिटी के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, अपने पैसे को नहीं निकालते हैं और आप लोगों का अकाउंट चालू है उसमें, यानी कि मैच्योरिटी हो गई है, मैच्योर हो गया है आप लोगों का पैसा, तो आगे चल करके आप लोग किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप लोगों का पैसा पड़ा हुआ है उस पर दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यूसली ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स थी और ये सारे जो नियम है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आप लोगों का जो भी अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, आप लोगों के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है, किस तरह से काम करता है और इससे जो भी रिलेटेड डिटेल आप लोगों को चाहिए मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग पेंशन प्लानिंग करना चाहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, अगर आप लोग कोई गोल लेकर के चल रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, करोड़ों तक का फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, वो सब कुछ पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पूरा हो सकता है। कैसे पूरा हो सकता है उसके लिए आप लोगों को जाकर के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अपनी पुरानी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, वहां पे जाकर के देखेंगे तो आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आप लोग 2020 में भी 2020 में भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को खोलना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने टॉपिक पे कुछ चाहते हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।